और खैबर पख्तूनख्वा में भी मानसून बरसात ने तबाही मचा दी। मुख्तलिफ हादसात में 3 अफराद जहाँ भाग जबकि 8 जख्मी हो गए। पीडीएमए के मुताबिक 7 घरों को जुजवी जबकि 1 घर को मुकम्मल नुकसान पहुँचा। खैबर पख्तूनख्वा में तूफानी बारिशें, हादसात से अमवात, नशे भी इलाके जेरे आब। पीडीएमए ने बारिश से जानी और माली नुकसान की रिपोर्ट जारी कर दी। आंधी में दरख्त गिरने से 2 अफराद शांगला में लुकमाया जल बन गए। कर्क में खातून जिंदगी की बाजी हार गईं। कर्क में 5, जनूबी वजीरस्तान 2 और शांगला में 1 बच्चा जख्मी हुआ। 7 घरों को जज़्वी जबकि 1 घर को मुकम्मल नुकसान पहुंचा। सूबे में मजीद बारिशों के पेश नज़र रेस्क्यू 1122, पीडीएमए और सिविल डिफेंस को अलर्ट रहने की हिदायत की गई है। जिले इंतजामिया और मुतालका इदारे इमदादी कार्रवाईों में मसरूफ हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। बड़ी ईद की बड़ी खुशियाँ, बोल ने निभाई अपनी सहाफती जिम्मेदारियां। कराची में ईद उल अज़हा के मौके पर लियाकताबाद टाउन ऑफिस के साथ ही आलाइशों का ढेर लग गया है। सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की टीम भी वहां पर मौजूद है। बड़ी ईद की खुशियों में भी बोल रहा सबसे आगे, सफाई मुहिम के लिए मुतालिका इदारों तक पहुँचाई आवाम की आवाज़। अगर मैं आपको दिखा दूँ इस वक्त मनाजिर, तमाम गाड़ियाँ जो इस वक्त है यहाँ पर, तमाम जो कलेक्शन है, जितनी भी आलाइशें उनको यहाँ से उठाया जा रहा। और लम्हा बा लम्हा की खबर से रखा आवाम को आगा। और मैं मुख्तलिफ मकामात पर आलाइशें जो है वो हमें सड़कों पर दिखाई दे रही थी, लेकिन उसके बाद जो LWMC है उनका अमला जो है वो उसके बाद फील्ड में निकला और उसके बाद आलाइशों को हटाने का सिलसिला जो है वो शुरू कर दिया गया। बड़ी ईद की ट्रांसमिशन 57% आवाम ने देखी बोल की स्क्रीन पर, क्योंकि बोल है पाकिस्तान का नंबर 1 न्यूज चैनल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।